एक शेर तो दूजा सवा शेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में 5 सीटों पर MLC चुनाव होने को है, जिसके लिए राज्य की 26 जो जिले हैं वो चुनाव का केंद्र बन चुका है। बिहार में भाजपा ने सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। सम्राट चौधरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। सम्राट चौधरी ने तो इस MLC चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंकी दी है। वहीं दूसरी तरफ राजद की तरफ से बिहार के डिप्टी CM सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। इन दोनों ने ही इस चुनाव के लिए यानी इस MLC चुनाव के लिए अपनी अपनी तरफ से हर तरह से दमखम लगाने में जुटे हुए। आपको बताते हैं आगे आखिर राजद की तरफ से सर्वदलीय जो बैठक बुलाई गई उसमें क्या कुछ फैसला लिया गया और भाजपा क्या रणनीति चलने वाली है, किस रणनीति के तहत इस MLC चुनाव में भाजपा आगे बढ़ेगी। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों को लेकर राज्य के 26 जिला चुनावी संग्राम के केंद्र बन चुके हैं। महागठबंधन इस चुनाव को लेकर गंभीर भी है और लगातार CM नीतीश कुमार के निर्देश पर बैठकों का सिलसिला जारी है। यहां तक कि महागठबंधन के नेताओं को उनकी भूमिका भी बता दी गई है। हालांकि बिहार विधान परिषद की 5 सीटों के हो रहे चुनाव की स्थिति यह है कि जदयू के 3 सीटिंग विधान पार्षद और भाजपा के 1 सिटिंग विधान पार्षद फिर से चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 1 सीट सारण शिक्षक क्षेत्र पर केदार पांडे के निधन के कारण खाली हुई थी। इस वजह से यहां उपचुनाव हो रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के लिए यह चुनाव पहली अग्नि परीक्षा है। वैसे भाजपा की हिस्सेदारी इसमें 1 सीट की है। अगर इस चुनाव में भाजपा 1 सीट से ज़्यादा जीत लेती है इसे सम्राट चौधरी के नेतृत्व की कामयाबी माना जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी हालांकि 5 विधान परिषद सीटों पर परोक्ष रूप से अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। अपरोक्ष रूप से लोजपा रामविलास के साथ और परोक्ष रूप से लोजपा के केंद्र मंत्री पशुपति पारस भी इस समीकरण में शामिल हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं पर गौर करें तो भाजपा गया स्नातक छपरा शिक्षक और गया शिक्षक को लेकर हो रहे चुनाव के प्रति काफ़ी गंभीर है। गया स्नातक क्षेत्र को लेकर भाजपा काफ़ी गंभीर है। गया स्नातक को लेकर इसलिए कि यहां के भाजपा विधान पार्षद अवधेश नारायण सिंह यहां के 4 बार चुनाव जीतकर 5वीं बार चुनावी समर में उतरे हैं। इनका सामना इस बार जगदानंद सिंह के पुत्र पुनीत कुमार सिंह से मुकाबला है। उनका नया होना भाजपा उम्मीदवार के लिए प्लस पॉइंट है। साथ ही इसके यहाँ के स्नातक वोटरों के लगातार संपर्क में रहने का भी लाभ हो सकता है, लेकिन इस बार उन्हें जदयू के बिना सपोर्ट के लड़ना होगा। यह स्थिति कैसे बैलेंस होगी इसी पर चुनाव में जीत का फैसला होना है। बताते चले कि गया शिक्षक क्षेत्र का मुकाबला रोचक होने जा रहा है। हालांकि यहां से सिटिंग सीट जदयू का रहा है। उम्मीदवार संजीव श्याम सिंह लगातार 2 बार प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। भाजपा में ने इनके विरुद्ध जीवन कुमार जो वैश्य जाति से आते हैं उनको उतारा है। भाजपा ने यहां चुनाव को अगड़ा पिछड़ा का एंगल देकर अपनी जीत का दाव चला है। भाजपा के जीवन कुमार हालांकि यह पहला चुनाव है मगर इनकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। यह चुनाव वोटरों के बनाने के खेल से जुड़ा है। हालांकि वोटर बनाने को लेकर भाजपा एक विधान पार्षद रहे कुमार साहेब ही काफी पहले से भिड़ चुके हैं, लेकिन चुनाव के आते आते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को एक सफलता यह मिली कि भाजपा नेताओं के आग्रह पर कुमार साहेब ने चुनाव से खुद को अलग कर लिया है। इसका फायदा भाजपा के उम्मीदवार जीवन कुमार को हो सकता है। कुमार साहेब ने के बनाए वोटर भाजपा उम्मीदवार के फेवर में आ जाते तो जीत का दामन भाजपा ही थाम सकती है। वहीं आगे बताएं तो सारण स्नातक क्षेत्र पर भाजपा की नज़र पहले से ही है। इस बार उन्होंने काफ़ी अनुभवी उम्मीदवार को उतारा है। भाजपा ने इस बार इस सीट से कई बार जीत दर्ज करने वाले महाचंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। इनके विरुद्ध महागठबंधन के आनंद पुष्कर चुनावी मैदान में हैं। यहाँ भी भाजपा उम्मीदवार को अपने अनुभव का लाभ होगा। महाचंद्र सिंह के लगातार कई बार विधान पार्षद रहने के कारण वोटरों पर पकड़ ज़्यादा होगी। अब नए उम्मीदवार ने जितने ज़्यादा वोटर बनाए होंगे उसका सीधा असर हार जीत पर दिखेगा।
हालांकि भाजपा ने कोसी और सारण शिक्षक सीट पर भी उम्मीदवार उतारा है। कोसी शिक्षक क्षेत्र से भाजपा ने रंजन कुमार को और सारण शिक्षक क्षेत्र से धर्मेंद्र सिंह को उतारा है, परंतु इन दोनों का अनुभव नया नया है। इनकी मेहनत का असर दिखेगा, लेकिन इनके खिलाफ को कोसी शिक्षक क्षेत्र से महागठबंधन के अनुभवी उम्मीदवार संजीव सिंह हैं। इनसे मुकाबला आसान नहीं दिखता। बिहार के 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने वाला है और इससे पहले ही भाजपा ने अपनी रणनीति सेट कर रखा है। सम्राट चौधरी को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और अगर इस एमएलसी चुनाव में जीत भाजपा के दामन में आती है तो ये सम्राट चौधरी की जीत कहलाएगी। उधर तेजस्वी यादव भी कोई कम कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राजद की मीटिंग बुलाई जाती है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये पूरी मीटिंग होती है और तेजस्वी यादव भी इस एमएलसी चुनाव में जोर अपनी दमखम आजमाने में लगे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।